फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲੇਜ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਚ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁੜ ਦੀ ਮੱਠੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਮੱਠੀ ਕਿਤਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। आधा किलो मैं आटा ला रही हूँ। मेरा सिंपल आटा पर रोटियां बनाने वास्ते लाने वही आटा है। आधा किलो गुड़ ला रही हूँ, एक चम्मच सौंफ दा ला रही हूँ, 6 चम्मच वेजिटेबल ऑयल है। गुड़ मैं कुट चुकी, थोड़ा जहा पानी में पाता ही वीडियो में दिखाया नहीं सी, एक गिलास में पानी पा रही हूँ। गुड़ नूं आपां मेल्ट करांगे, चाशनी नहीं बनानी है। हाई फ्लेम से मेल्ट कर रही हूँ। गुड़ सारा मेल्ट हो चुके हैं, हूँ मैं ठंडा कर लेंगे। ठीक है, ठंडा करने तो बाद ही गुन्नांगे, नहीं तो हाथ सड़ सकता है। हूँ नॉर्मल जब पानी हो चुके तो मैं छान लूँगी, क्योंकि ना गुड़ में कबाड़ा होता है। देखो किरक जी आ जाए ना, फिर सारी मेहनत जी पानी जाएगी, इस करके इन्हें छान लेना। बेकिंग पाउडर ला रही हूँ 1/3 चम्मच। पहले इन सारे मैं मिक्स कराँगी। फिर उस तो बाद पावांगी मैं सौंफ। सौंफ के नाल जो फ्लेवर होर भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सौंफ के महीने में जड़ियाँ मठियाँ बनाई जाती है। तो वैसे भी जो सर्दियों में भी जी करें ना, गुड़ जोड़ा होंगे बहुत वाइया होंगे, गुड़ में आयरन होंगे। हम जो मैं वेजिटेबल ऑयल पा रही हूँ मिलाने वास्ते। वेजिटेबल ऑयल पाया तो हम आप सारे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम जोड़े देखो, मैं तुम्हें कई बार पहले वीडियो में दिखाया मिलाउन चेक करने वास्ते एवं का लड्डू बनना चाहिए। ठीक है, लड्डू बन गए तो मेन थोड़ा सही है। हम आप थोड़े थोड़े करके बच्चे पावे। ना तो ज़्यादा टाइट गुनना आटा, तो ना ही ज़्यादा लूज गुनना। ठीक है, नॉर्मल जहा आटा गुनना आप थोड़ा थोड़ा करके आप गुड़ वाला पानी मिक्स करांगे। जे मान लो तुहाडा गुड़ वाला पानी बच भी जाता ना, तो वो आटा मिला के तुम पूड़े भी बना सकते हो, चाह बना सकते हो। हम आटा आप सब कट कर लाँगे, देख सकते हो ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज है, यहो जहा आटा बनना। मैनू ज़्यादा ना खस्ता पसंद है, तो मैं ज़्यादा मतलब कि लूज नहीं किया आटा। ठीक है, एवं पेड़ा बना के कुछ भी लगाने की लड़ नहीं, बस इन आप मैं पेड़े बना के रख लें। फिर उस तो बाद आप शेप देवे, फिर चाहो तो सिंपल ही मुठियाँ बना सकते हो, जिमें एवं माड़ा जहा पेड़ा तोड़िया लोज मठी बन के तैयार ताकि एवं बना के तोड़ के रख लो। तो कुछ मैं सिंपल बनावगी तो कुछ बनावगी थोड़ा डिजाइनदार, क्योंकि ताकि एक जो वेखन वधिया लगन तो खा ले। गुड़ जो आप बच्चे दें ना, गुड़ में जो होंगे आयरन, तो आयरन जो बच्चों वास्ते बहुत वधिया। आयरन देना तुम सारे पता है खून की कमी पूरी होती है। वैसे मैं घर बना लूँ, मैं तो यही शेप देनी होनी हूँ, तो कभी कभी कुकी कटर दे, कभी हार्ट की शेप दी, कभी स्टार दी, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि बच्चे को वैरायटी दी है ना, तो फिर वो बढ़िया तरह खा लेते। मैं चकले से थोड़ा वेजिटेबल ऑयल लगा लिया, हूँ आप वेल लाँगे।
ਮੈਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, करके मैं होर भी मिठाई तैयार कर लूँगी। देख लो मैं इन्ना इन्ना मतलब मोटा रख रही हूँ। हम सारी मिठाई बन के तलन वास्ते तैयार ने। हम पहले मैं एक मिठाई पा के वेखी, हम मैं पा दाँगी फिर स्लो फ्लेम तक तलनिया ने, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी है। हजे मैं हाई की हुई है, मैं स्लो कर दिनी हूँ। छोटा गैस है तो छोटे गैस से स्लो फ्लेम से तलूँगी मैं। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ। ਦੇਖੋ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਾਲ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤਲ ਲਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੇਸਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਸੌ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਕਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।